हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड। टुडे आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक्स की मई 2024 के अंदर। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टॉप 10 बाइक्स बताएंगे जिनकी सेल्स मई 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा रही हैं, और इसी के साथ साथ हम इन बाइक्स के एक्चुअल प्राइसेस भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है हीरो की तरफ से पैशन। पैशन के अंदर हमें दो मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं, पैशन प्लस और पैशन एक्सटेक। इन दोनों ही बाइक्स की कंबाइंड सेल्स रही हैं मई के अंदर 22,327 यूनिट्स। बाकी इन बाइक के एक्चुअल प्राइस की बात करें तो पैशन प्लस का प्राइस स्टार्ट होता है 78,451 रुपीज़ से। बाकी पैशन एक्सटेक के एक्चुअल प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 81,000 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल जाता है 85,400 रुपीज़ तक। 9 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है रॉयल इनफील्ड की तरफ से क्लासिक 350। ये एक ही बाइक हमें इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि 350 सीसी सेगमेंट से आती है। इस बाइक की मई के अंदर सेल्स रही है 23,779 यूनिट्स। बाकी इस बाइक के एक्चुअल प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 1,93,000 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 2,25,000 रुपीज़ तक। 8 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है होंडा की तरफ से यूनिकॉर्न। होंडा यूनिकॉर्न की मई के अंदर सेल्स रही है 24,740 यूनिट्स। बाकी इस बाइक के एक्चुअल प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 1,10,000 रुपीज़ से। 7 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है बजाज प्लेटिना। प्लेटिना के अंदर भी हमें दो मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं, प्लेटिना 100 और प्लेटिना 110। इन दोनों ही बाइक्स की मई के अंदर कंबाइंड सेल्स रही हैं 30,239 यूनिट्स। बाकी प्लेटिना 100 के प्राइसेस की तरफ देखें तो वो शुरू होता है 67,800 रुपीज़ से, और प्लेटिना 110 के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 70,900 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 80,275 रुपीज़ तक। 6 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है TVS रेडर। TVS रेडर हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर हमें 125 सीसी इंजन देखने के लिए मिलता है। बाकी इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं इसके प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। इस बाइक की मई के अंदर सेल्स हुई 37,249 यूनिट्स। बाकी रेडर के एक्चुअल प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 95,200 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल जाता है 1,04,000 रुपीज़ तक। 5th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है TVS अपाचे। अपाचे TVS की तरफ से एक सीरीज़ है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी बाइक्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि RTR, RR और भी काफ़ी सारी। इन सभी की सभी बाइक्स की मई के अंदर कंबाइंड सेल्स 37,906 यूनिट्स। 4th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है हीरो की HF डीलक्स। हीरो HF डीलक्स की मई के अंदर सेल्स हुई हैं 87,143 यूनिट्स। बाकी HF डीलक्स के प्राइस की तरफ देखें तो वो शुरू होता है 59,990 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 69,000 रुपीज़ तक। 3rd नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है बजाज पल्सर। पल्सर भी हमें एक सीरीज़ ही देखने के लिए मिलती है बजाज के अंदर, जैसे कि हमें TVS के अंदर अपाचे सीरीज़ देखने के लिए मिलती है। इन सभी बाइक्स की कंबाइंड सेल्स रही है मई के अंदर 1,28,480 यूनिट्स। 2nd नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है होंडा शाइन। होंडा शाइन के अंदर हमें दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, शाइन 100 और शाइन 125। इन दोनों ही बाइक्स की मई के अंदर कंबाइंड सेल्स हैं 1,49,054 यूनिट्स। बाकी इन बाइक के एक्चुअल प्राइस की बात करें तो शाइन 100 का प्राइस है 64,900 रुपीज़, और शाइन 125 का प्राइस शुरू होता है 79,800 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल जाता है 83,800 रुपीज़ तक। 1st नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के अंदर भी हमें अब दो मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं, स्प्लेंडर प्लस और स्प्लेंडर एक्सटेक। इन दोनों ही बाइक्स की मई के अंदर कंबाइंड सेल्स रही हैं 3,04,663 यूनिट्स। बाकी हम इन बाइक्स के प्राइस की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस का एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है 75,441 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाते हैं 78,286 रुपीज़ तक। यहीं पर स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के प्राइस की बात करें तो वह 79,911 रुपीज़। इस बाइक के अंदर हमें रिसेंट में ही कुछ अपडेट्स देखने के लिए मिले थे, जिसके अंदर इसके ग्राफिक्स और इसके फीचर्स के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। बाकी यही थी टॉप 10 बाइक्स जिनकी सेल्स हमें मई के अंदर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।